अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ बाबर गुलाब एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑफ ग्रेड नाइन्थ टुडे वी विल डिस्कस एन एरोबिक रेस्पिरेशन सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया रेस्पिरेशन को और इसकी फर्स्ट टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन में हमने बात की रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू गेन एनर्जी फिर हमने बताया कि एक्चुअली जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ब्रेक किए जाते हैं और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है और जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सट्रैक्ट की जाती है ए के स्ट्रक्चर को हम प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं आई होप कि उसका आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट है फिर हमने कहा कि जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है चूँकि ये सेल लेवल पे होता है तो इसी वजह से इसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं हमने इसमें इसकी जो फर्स्ट टाइप थी दैट वॉज एरोबिक रेस्पायरेशन उसको एक्सप्लेन किया। हमने आपको बताया कि एरोबिक रेस्पारेशन में जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं लाइक like ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसी वजह से इसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं फर्दर हमने बताया कि जो एरोबिक रेस्पारेशन है इसमें ग्लूकोस के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे के सारे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है टू ऑप्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर हमने कहा कि जो एनर्जी ऑप्टेन होती है इसको सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है ये तो था हमारा लेक्चर रेस्पारेशन और एरोबिक रेस्परेशन के बारे में आज जिस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ एन एरोबिक रेस्परेशन सेकंड टाइप ऑफ रेस्परेशन अब एन एरोबिक रेस्परेशन और एरोबिक रेस्परेशन में क्या डिफरेंसेस हैं इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं और इसकी फर्दर कौन सी टाइप्स हैं इसको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे सो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्परेशन हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है एन एरोबिक रेस्परेशन एन एरोबिक रेस्परेशन जो है ये रेस्पारेशन की ही एक टाइप है अब इस पर हम देखते हैं कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं लाइक like ग्लूकोज़ उनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम शूगर्स भी कहते हैं अब प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर की है इन द फॉर्म ऑफ शूगर्स मोस्टली उसमें हमारे पास जो एग्ज़ैम्पल है वो है ग्लूकोज़ अब इस ग्लूकोज को या प्लांट की प्रिपेयर फूड को ऑर्गेनिज़म्स यूटिलाइज़ करते हैं प्लांट्स जो हैं हमारे पास उनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मीन्स कि इन्वायरमेंट में जो फूड प्रिपेयरिंग का काम है वो प्लांट्स करते हैं अब प्लांट्स कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है आई होप कि आपको उसका आइडिया होगा उस टर्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स जबकि दूसरी तरफ देखा जाए एनिमल्स या ह्यूमंस जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते ये प्लांट्स की ही प्रिपेयर फूड को कंज्यूम करते हैं और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइक ये जो ग्लूकोज प्लांट ने प्रिपेयर किया है इसको ह्यूमंस जो हैं वो यूटिलाइज़ करेंगे और एनर्जी गेन करेंगे ह्यूमंस को हम कहते हैं हेट्रोट्रोप्स यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया आटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रोप्स का दूसरा ये पॉइंट भी क्लियर हुआ कि प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोस्टली द मोस्ट फेमस कार्बोहाइड्रेट्स इज़ गलूकोज़ अब हम देखेंगे कि इस ग्लूकोज़ को ब्रेक कैसे किया जाता है पहले हमने बात की थी एरोबिक रेस्पायरेशन की जिसमें हमने कहा कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ब्रेकडाउन किया जाता है और इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है आज हम बात कर रहे हैं एन एरोबिक रेस्पारेशन की एन एरोबिक रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज है हमारे पास इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाउन कि इसकी जो ब्रेकडाउन है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ़ एनर्जी जो प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वो एक्सट्रैक्ट नहीं की जाती अब हम देखते हैं कि इसमें फ़र्दर कौन कौन से स्टेप्स हैं सबसे पहले हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस की इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पारेशन कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक करता है और पायरोवेट प्रोड्यूस होता है एन एरोबिक रेस्पारेशन में भी मीन इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है उसको फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है पायरोवेट में यानी यहाँ भी ग्लूकोज जो है उसकी कन्वर्जन होती है इनटू टू पायरोवेट अब ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद जो पायरोवेट हैं अब इसको फर्दर ब्रेक किया जाता है एन एरोबिक रेस्पारेशन में टू डिफ़रेंट वे से एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा जो है हमारे पास वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अब ये जो दोनों टाइप्स हैं ये एन एरोबिक रेस्पारेशन की है इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि इन में कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और हम ये भी देखेंगे कि ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये किन ऑर्गेनिज़म्स में होती है सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इसमें जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था पायरोविक एसिड में उस पायरोविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में यानी इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि अल्कोहल प्रोड्यूस होगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अब जो अल्कोहल प्रोड्यूस होती है वो है इथाइल अल्कोहल और साथ ही इसके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं यही या, यानी इथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंडेशन अब इथाइल अल्कोहल का जो केमिकल फार्मूला है वो है सी टू एच फाइव ओ एच स्टूडेंट्स ये जो ओ एच ग्रुप है ये अल्कोहल फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओ OH एच है साथ ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है अब हम बात करते हैं कि ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये किन ऑर्गेनिजम्स में होती है फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है यीस्ट यीस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर फंगस है यूनिसेलुलर मीन्स कि इसकी जो बॉडी है वो एक सेल पर ही कंसिस्ट करती है फिर हम इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें इस यीस्ट का तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन है जिसको हम बडिंग यीस्ट भी कहते हैं वो है सेक्रोमाइसिस सेविशियाई जब भी आप साइंटिफ़िक नेम लिखें तो लिखते हुए जो साइंटिफिक नेम के दोनों फर्दर वर्ड्स हैं लाइक जीनस नेम जो फ़र्स्ट नेम होता है और उसको आप स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से और दूसरा जो है वो स्पीशीज़ नेम होता है और उसको आप स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से ये जो दोनों वर्ड्स हैं इसको आप अंडरलाइन करते हैं लिखते वक्त अब हमने बात कर ली कि जो यीस्ट हैं यूनिसेलुलर फंगस हैं ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू एनर्जी ऑप्टेन करती हैं अब दूसरी हमारे पास जो एन आरोबिक रेस्पारेशन की टाइप है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इसके भी नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा वो एसिड होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पायरोवेड है जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद प्रोड्यूस हुआ इसको कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में अब हम देखते हैं कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये किन ऑर्गेनिज़म्स में होती है हमारे पास एग्जाम्पल है बैक्टीरिया की अब कौन से बैक्टीरिया मिल्क बैक्टीरिया या हम कह लेते हैं योगर्ट बैक्टीरिया अब इन बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हुए योगर्ट फॉर्मेशन भी होती है अब क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि इन दोनों टाइप्स में से यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन दोनों में से क्या किसी टाइप का ह्यूमंस के साथ भी लिंक है सो द आंसर इज़ यस ये जो सेकंड टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स जिसको हमने कहा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये ह्यूमंस में भी होती है इन एक्सट्रीम कंडीशंस मीन्स हम कहते हैं कि जब ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर जाए यानी आपको उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए अब ऐसा किन कंडीशंस में होता है ऐसा होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आपके मसल्स वर्क करते हैं आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज कर जाता है क्योंकि आपको मोमेंट के लिए एक्सरसाइज के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो रेस्पारेशन में जितनी आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो उसको यूटिलाइज़ किया जाता है ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में अब आहिस्ता आहिस्ता जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाती है मींस आप वर्क ज़्यादा करें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्टेज है अब इस सिचुएशन में जो बॉडी होती है या मसल सेल्स होते हैं हमारे वो एन एरोबिक रेस्परेशन स्टार्ट कर देते हैं कौन सी टाइप की लैक्टिक एसिड वाली यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अब चूंकि ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू ब्रेक किया जा रहा है यानी पायरोवेट को जो कि ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद प्रोड्यूस हुआ है अब एनर्जी तो बॉडी को मिल रही है लेकिन साथ ही साथ क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है लैक्टिक एसिड अब ये लैक्टिक एसिड जो है ये मसल्स में डिपॉजिट होता रहता है यानी स्टोर होता रहता है अब जब लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में स्टोर होता है तो उसकी वजह से फुटीक लाइक कंडीशन होती है यानी बाद में पेन होती है फिर जैसे ही आप रेस्ट करते हैं यानी अपनी एक्सरसाइज को रोक देते हैं अब जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाएगा अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी ठीक है हम क्या कहते हैं स्टॉप वर्किंग आर एक्सरसाइज अब जो है बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी और आपको ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपर होगी जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होगी तो अब ये जो मसल में स्टोर लैक्टिक एसिड है इसको बॉडी खुद ब खुद रिमूव कर देगी सो इन दिस वे ह्यूमन्स में जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आर इन शोर्ट वी कैन से एन आर ऑबिक रेस्पारेशन टेक्स प्लेस ये थी स्टूडेंट हमारे पास एन और ऑबिक रेस्पारेशन इसकी दो टाइप्स जिसमें हमने देखा अल्कोहलिक फर्मेंडेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंडेशन इसके साथ साथ हमने इनकी एग्जाम्पल्स भी आपको बताई और ह्यूमन्स में कौन से वाली रेस्पायरेशन होती है वो भी एग्जाम्पल आपको दी और किन सेल्स में होती है तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स आज हमने एन एरोबिक रेस्पारेशन को एक्सप्लेन किया हमने इसमें बताया कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है या फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती इसके अलावा इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लेस अमाउंट में होती है एज़ कंपेयर टू एरोबिक रेस्परेशन फिर हमने कहा कि ये जो एन एरोबिक रेस्परेशन है इसमें फर्स्ट स्टेप जो है यानी ग्लूकोज ब्रेक होता है और पायरोवेट बनाता है ये दोनों रेस्पायरेशन की टाइप्स में सेम है एन और एरोबिक रेस्पायरेशन दोनों में फिर ये जो पायरोवेट है अब एन एरोबिक रेस्पायरेशन में इसकी ब्रेकडाउन फर्दर टू कैटेगरीज में होती है एक को हमने कहा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे को हमने कहा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने देखा कि ये जो फर्मेंटेशन की टाइप है किन ऑर्गेनिज्म में होती है हमने एग्जाम्पल दी यीस्ट की और इसके थ्रू जो प्रोडक्ट आता है आपके पास वो हमने कहा इथाइल अल्कोहल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी हमने बात की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की हमने कहा इसमें पायरोवेट ब्रेकडाउन होता है और उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इसकी एग्जाम्पल हमने आपको दी मिल्क बैक्टीरिया और योगर्ट बैक्टीरिया जिनको हम लैक्टोबेसिलस भी कहते हैं और इसके अलावा फाइनली हमने बात की कि जो एन एरोबिक रेस्परेशन की सेकेंड टाइप है यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये ह्यूमंस में भी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एन एरोबिक रेस्पारेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट एन एरोबिक रेस्पिरेशन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़